इस टाइम में गेहूं के गिरने की वजह से गेहूं में जो दाने पड़ते हैं ना वो हल्के हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये मेरा गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। हम लोग मस्त नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट तो 2 दिन हो गया, 2 दिन से लाइट नहीं आई है। और आज ऐसा होने वाला है कि हम लोग पानी लेने जाएंगे। कहाँ पे पता है? जैसे जहाँ रहते थे हम लोग उतने दूर से पानी लेने जाएंगे। क्या हुआ? वहाँ से हम लोग पानी लेने जाएंगे क्योंकि खाना बनाने के लिए अभी हैंडपम्प पास में कुछ है नहीं, लाइट है नहीं, है ना बाबू? नाना के घर जाइए ना। नाना के घर भी लाइट नहीं है। अरे फिर तो नाना का घर मिलेगा ना। चलते हैं, पहले पानी की व्यवस्था करते हैं। पानी कहाँ से आएगा वो देखना पड़ेगा, पहले सोचते हैं पानी कहाँ से लेके आना है। 2-3 हैंडपम्प हैं गाँव में, देखते हैं किस हैंडपम्प पे जाते हैं। आज इस गगरे से पानी आएगा इतने दिनों के बाद से। देखिए ये गगरा कितने दिन के बाद निकला, इस गगरे की जरूरत आज पड़ी। ये देखिए हम लोग पानी लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 1, और एक्चुअली सुबह से और 1 बजे के बीच का जो काम था हम लोगों का, मोबाइल तो डिस्चार्ज ही था, मतलब यानी कह सकते हैं 38 से 40 घंटे हो गए हैं लाइट के गए हुए और लाइट आई नहीं अभी तक। तो प्लाट वाले मकान पे गए थे, मैं गया था और रितेश गए थे, दोनों लोग गए थे। तो जितने घर में मोबाइल था और जो है बैटरी चार्जर था, सारी चीज़ें जो है चार्जिंग करने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें जो है हम लोग चार्ज करके ले आए। और वहाँ पे साफ़ सफाई भी करना था छत पे क्योंकि कल बहुत बारिश हुई है। और जो मैं काम करवा रहा था, पाटन वाला काम जो करवा रहा था ढलाई का, वो काम अभी तक हुआ नहीं है। तो सो नीचे भी बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। फ़िलहाल पानी इस टाइम में था नहीं, लेकिन कचरा कूड़ा सारा कुछ हो गया था। वो सारी चीज़ें हम दोनों लोग साफ़ उफ करके वहाँ से आए हैं। तो अभी यहाँ पर जाके नहाए हैं, अभी जा रहे हैं दोपहर में खाना खाने के लिए। हम लोग का खाना हो गया और अश्विन बैठे हुए हैं कचर पचर कचर पचर कचर पचर कचर करने के लिए। चलिए बैग में डालिए अपना, पहले किताब कॉपी लेके बैठ गए हैं अश्विन। तो लेके किताब कॉपी बैठे और सरवाइव कैरम की हो रही है। तो गाइस बज रहे हैं 4:45 और शाम का नाश्ता, नाश्ता हम लोग जाने नाश्ता करने जा रहे हैं हम लोग। और अश्विन जो है कैरम खेलने के लिए अपना जो है प्रेशर स्टार्ट, अश्विन अपना कैरम लेके आ गया। अरे आराम से पटक दो, टूट जाएगा, टूट जाए तो फिर हो गया फिर आप। चलिए ये देखिए नाश्ता आ गया और गजब क्या शॉट है। तो अभी फिलहाल शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग कैरम खेल चुके। लाइट आई थी थोड़ी देर के लिए और पानी चल गया है, टंकी भर गया, मतलब पानी की दिक्कत नहीं मान सकते। सुबह में पानी हम लोग लेने के लिए बोतल भर गया था और सुबह में पानी लेने के लिए बहुत दूर गए थे एक्चुअली। तो हाथ तो बिजी था सो आप लोगों को दिखा नहीं पाए, लेकिन थोड़ा सा क्लिप लिया था वहाँ का कि कितनी दूर, बहुत दूर जाना पड़ा था सुबह में। मतलब पहले हमारा पुराना मकान उस साइड में था जहाँ हम पानी लेने गए थे उसके बाद, और वहाँ से पहले पानी लेने के लिए हम लोग इधर आते थे। लेकिन अब ऐसा टाइम हो गया कि हालात चेंज हो गए और सबके घरों में समरसेबल सबके घरों में हैं इस टाइम में। पहले हुआ करता था कि हम उतनी दूर से पानी लेने के लिए यहाँ आते थे। तो सो गाइस अभी फ़िलहाल लाइट अभी नहीं आई है, थोड़ा देर के लिए लाइट आई हुई थी तो पानी का तो थोड़ा सा व्यवस्था हो गया है। अब पता नहीं कब तक लाइट आएगी कि नहीं आएगी।
तो फिलहाल अंधेरा हो गया है, मैं चल रहा हूँ थोड़ा पीछे की तरफ जाऊँगा थोड़ा घूमने के लिए, और फिर जाऊँगा प्लाट वाले मकान पे, वहाँ पे सूरज आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जाना है। हेलो गाइस, मेरा नाम है एके, मैं जा रहा हूँ खेत में बड़े पापा के, जब खेत में पहुँचूंगा तब दिखाऊंगा, ठीक है? बड़े पापा पैसा देते हैं, ये देखिए बड़े पापा पैसा, बड़े पापा का पैसा। हाँ पैसा कितना लिए हैं बड़े पापा? दो नोट लिए है ना? दो नोट लिए है बड़े पापा, 200 ठीक है, मैं के खेत में जा रहा हूँ फिर दिखाऊंगा आप लोग। ये देखिए ये लोग मांझा, देखिए क्या कर रहे हैं मांझा के, ये लोग मांझा लड़ा रहे हैं, मांझा लड़ा रहे हैं ये लोग। कल आंधी में पूरा गेहूं खराब हो गया, देख रहे हैं पूरा इधर साइड में जो है पूरा गेहूं गिर गया है। ऐसे ही हर खेत के गेहूं का हाल है, ये तो चाचा वाले गेहूं का है, पता नहीं इस तरीके का हुआ है। हम थोड़ा अपने खेत में जाके देख के आते हैं कि मेरे खेत में कैसा हाल है, क्योंकि मेरे खेत का गेहूं छोटा था थोड़ा, तो देखते हैं वो गिरा है कि नहीं गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है। ये देखिए अच्छत गए हुए थे वहाँ पर खेत में, तो अच्छत फिलहाल देख के आए थे कि ज़्यादा गेहूं गिरा नहीं है, तो हम भी थोड़ा खेत में जाके घूम के आते। मेरे साथ में हैं अश्विन, मेरे पीछे पीछे हैं रास्ता, क्योंकि देखिए बहुत ही बेकार रास्ता है यहाँ, नहीं पड़ेगा यहाँ, कहाँ ताला दिया हुआ है उसमें, तो ताला है। हाँ बाउंड्री में ताला दिया हुआ है, और जो पगडंडी का रास्ता होता है ना दोस्तों, पगडंडी का रास्ता है, देख रहे हैं किस तरीके का पगडंडी का रास्ता है, पतला ऊंचा नीचा, नहीं आराम से चलिए, ठीक है? साइकिल इस पे इम्पॉसिबल, देखिए हाई टेंशन का ये टावर है और इसमें वाइब्रेट होता रहता है, हमेशा कंपन होता रहता है। फिलहाल दोस्तों ये देखिए ये जवा की खेती हुई है, ये भी मतलब दादाजी का ही है, उनकी भी खेती में मतलब कि आंधी की वजह से सब सपाट हो गया है। आराम से, ऊंचा नीचा रास्ता है, ऊंचा नीचा रास्ते में तो आराम से आइए, नीचे आपको देख के आना है, बस हो गया, नीचे आके देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं इसी खेत में जो है उस दिन सरसों काटा था मम्मी के साथ में, अरे सारी घास तो ख़त्म हो गई, एकदम चिकना हो गया पूरा, घास ख़त्म हो गया है। वैसे मेरा गेहूं दोस्तों गिरा नहीं है, क्योंकि छोटा पेड़ था, छोटा पेड़ की वजह से जो है गिरा नहीं है। इसमें जो नुकसान हुआ है ना वो लीलगाह की वजह से नुकसान हो जाता है, लीलगाह जब आती हैं तो एक झुंड में करीब 10 ठो 15 ठो एक साथ में आती हैं और पूरा का पूरा सपाट कर देती हैं। तो हम लोग फिलहाल आ गए हैं अपने खेतों की तरफ, मस्त लगता है शाम को अगर खेतों में घूमने के लिए आ जाओ। एक्चुअली रास्ता इतना ख़राब है ना, आने का मन नहीं करता है, क्योंकि गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए मेरे साथ में अश्विन भी पीछे पीछे आए हुए हैं, और पीछे का आप पगडंडी देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके की पगडंडी है, इसे बोलते हैं मेड़, हम लोग के गांव में इसको मेड़ बोलते हैं। अरे थोड़ा सा गेहूं तो हमारा भी गिर गया है, हवा देखिए ऐसा है कि इस टाइम में गेहूं के गिरने की वजह से गेहूं में जो दाने पड़ते हैं ना वो हल्के हो जाएंगे, ये देख रहे हैं, ये मेरा खेत है, देखिए दोस्तों मैं बहुत डर रहा हूँ, ये बहुत डर रहे हैं, ये डर इसलिए रहे हैं क्योंकि खाते पीते तो है नहीं, हाँ ये पतला रास्ता तो है, लेकिन आप जब खाते पीते रहे तो फिर तो गेहूं गिर गया ना, और इधर ताऊ जी नुकसान हो गया। हाँ और इधर ताऊ जी का खेत है, ताऊ जी के भी खेत में जो है गेहूं गिर गया है। सो चलते हैं अब हम लोग वापस घर की तरफ, ठीक है? Walking alone, the streets are empty. The only thing
morning I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. बोलो 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 भागो लड़ो लड़ो बदलो 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 बदलो। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7:15 और किचन में हैं हम लोग। यहाँ बन रहा है सब्जी, आज बन रही है आलू और परवल की सब्जी। पापा को खाना खाना है, 7:15 तक खाना खाते हैं पापा, तो पापा के लिए जल्दी से जल्दी खाना तैयार हो जाएगा, तो पापा आके खाना खाएंगे। आलू और परवल को फ्राई किया जा रहा है। लाइट अभी भी नहीं आई है, थोड़ा इन्वर्टर चार्ज हो गया था। ठीक है, और वैसे भी लाइट भी नहीं है, एकदम अंधेरा हो गया है, लग रहा है एकदम अंधेरा हो गया, पूरा पूरा एकदम एरिया में अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। और अश्विन को लगी है भूख, तो वो खा रहे हैं नमकीन। नमकीन खा रहे ना अश्विन? तो गाइस नाश्ते में आज आ गया है डोसा, और सब लोग खाने बैठे हैं डोसा। ठीक है, मैं डोसा नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं खा चुका हूँ चाट। तो सो अश्विन मम्मा, अश्विन की मम्मा, सब लोग डोसा खा रहे हैं। तो गाइस रात के बज गए हैं 11, और आज इतनी रात हो गई है क्योंकि आज तो लाइट आ गई थी घर पे, और टाइम से लाइट आ गई थी। फिलहाल आज हम लोगों ने खाना नहीं खाया। खाना खाया आपने? हाँ। क्यों, खाना खा लिया पक्का? हाँ। नहीं खाना खाया, खाना डोसा खाया। खाना नहीं खाया अश्विन, खा लिया डोसा, मैंने खा लिया था चाट। सो भूख नहीं लगी, खाना कैंसिल। मम्मी पापा रितेश लोग खाना खा लिए थे। आई होप कि आपको इसका वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।